स्क्रीन पर दिख रही महिला का नाम सुमन साहू है। इन्होंने बबीना के नया खेड़ा में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट जिससे खरीदा था उसका भाई सीमा साहू से गुंडा टैक्स मांग रहा है, ऐसा उनका आरोप है। इस पूरी घटना को एक एप्लीकेशन में लिखकर एसएसपी झांसी को दिया गया और जिला अधिकारी झांसी को दिया गया। आप सुनिए सीमा साहू ने क्या कुछ कहा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़। बगल में खड़ी अभी महिला को आप देख रहे हैं, ये भी आज के कुछ तथाकथित गुंडों से परेशान है और इसकी कई वीडियो आप तक भी आते होंगे और कई घटनाएं आप तक आती होंगी, कई खबरें भी आप तक आती होंगी। इस तरह पहले की तरह आज भी हावी बने हुए थे और अगर हम एप्लीकेशन की माने तो उन्होंने आरोप लगाए थे इनका एक प्लॉट है नया किरा में और उस प्लॉट पर गुंडा टैक्स मांगा जा रहा है। वो बात कितनी सत्य है, हालांकि ये डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, एडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, उन्होंने एसएचओ को तलब किया है और कप्तान साहब के जा रही हैं अभी एप्लीकेशन ले के। कहाँ की हैं बॉबी है, काम क्या है, कौन कब्जा करना चाह रहे हैं, याद हो क्या कर, मतलब आप झगड़ा हुआ था तो जो रुपये मांग रहे हैं कौन है, वो दोनों भाई हैं। हाँ तो क्या कितना रुपये मांग रहे हैं, 2.5 लाख उसको कह रहे होंगे, क्यों मांग रहे हैं, कारण बता रहे हैं, फिलहाल की अच्छी ना करेंगे। आप जब वहाँ गए बबीना थाने क्या काम करें, तो आपके नाम ही है थाने गई कि वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो आपको यहाँ से आना, कुछ नहीं कहा था कि नहीं पढ़ा बुला रहा हूँ, तो आज किससे मिली है, दफ्तर गई थी आप यहीं कहा थी, क्या कहा करके कुछ तो कहा होगा कि हम आदेश देते हैं या हम बात, हमारा पीटा भी है आपसे एप्लीकेशन की माने तो 2.5 लाख रुपए की इसमें मांग की जा रही है और इसको गुंडा टैक्स के नाम पर बताया गया है। प्रार्थी सुमंग साहू ओम प्रकाश साहू, ये घटनाएं दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं, चाहे सत्ता में बैठे नेता हों या सत्ता से बाहर वाले नेता हों, इनके संरक्षण में ये धूपमढ़ी के गुंडे पाले जा रहे हैं और शासन प्रशासन भी बिल्कुल इस सबसे त्रस्त आ गया है, क्योंकि आए दिन मुद्दे जाते हैं फिर उनकी पैरवी की जाती है और थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई या यूँ कहें कि देखने के नज़रिए से थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है फिर उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है, जैसे कि किसानों के लिए जो मुसीबत छुट्टा जानवर बने हुए हैं ऐसे आम लोगों के लिए दो कौड़ी के गुंडे बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि एडीएम साहब ने आदेश कर दिए हैं, कार्रवाई कितनी होती है, कि हद तक इस पर कार्रवाई होती है। आप ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दादी उत्तम के साथ।